वेलकम टू द एयर एग्जाम की डॉट कॉम। मैं हूं प्रशांत की कॉन फैकल्टी और आज स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक जो है क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स या हिंदी में कहें तो गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, पहले तो इससे पहले मैं इसे ही समझनी होगी कि ये फैक्टर होता क्या है। ठीक है, एक तो होता है फैक्टर और एक होता है क्या मल्टीपल। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं क्या गुणनखंड और इसे कहते हैं क्या गुणज। ये इनकी दो अलग अलग नाम। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड और मल्टीपल मतलब मल्टीपल की हिंदी क्या होती है गुणज। ठीक है, होते क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 8 के फैक्टर बताइए, 8 कोई नंबर है और इसके फैक्टर क्या होंगे। तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनसे ये नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे 2 है, 2 इसका फैक्टर है, 1 है, 1 भी फैक्टर है, 4 है, ये भी फैक्टर है, मतलब ये क्या है इसके फैक्टर है। लेकिन वही बात यदि हमसे मल्टीपल की जाए कि 8 के मल्टीपल बताइए, तो 8 के मल्टीपल कौन से होंगे, यहां पर 8 भी हो जाएगा, मल्टीपल कौन से होंगे, मल्टीपल होंगे 8, 16, 32, 24, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, जो भी इसके मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से छोटे या उसके बराबर हो सकते हैं, मल्टीपल जो होते हैं वो उस नंबर के बराबर या फिर उससे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई ना। ये तो क्या है फैक्टर है और ये क्या है मल्टीपल है। क्लियर है, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। मल्टीपल से हमारा कोई मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ फैक्टर्स की। इसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे पहले, फिर हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर काउंट करेंगे, उसके बाद सम ऑफ फैक्टर काउंट करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सारी पूरी कहानी इसी क्लास में हम आपको कवर करा रहे होंगे। बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, चलिए ठीक है शुरुआत करते हैं। देखिए फैक्टर निकालते कैसे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो अपने आप से और वन को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे प्राइम नंबर कौन से हैं, हम यदि प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, हमारे शुरुआत होते हैं किससे, 2 से, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13 और ऐसे सो ऑन चलते रहते हैं अनगिनत है। ठीक है, इनकी कोई नंबरिंग नहीं, काउंटिंग नहीं है कि इतने ही होते हैं। ठीक है, करोड़ों हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, वन से डिवाइड हो, बाकी और किससे डिवाइड नहीं होते। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमसे कहा गया कि 12 के फैक्टर बताइए, 12 के जो फैक्टर है वो क्या है, तो हम कहेंगे 12 वो नंबर, वो डिजिट जिनसे 12 डिवाइड हो जाता है, वो सारे नंबर क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 खुद भी होगा। लेकिन हमसे यदि प्राइम फैक्टर्स की बात की जाए, हमसे ये पूछा है कि प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ एक तो 2 आएगा, 3 आएगा, बस यही क्या है, 2 और 3 क्या है इसके प्राइम फैक्टर है। बात क्लियर आई, समझे नहीं, ठीक है, तो देख लेना क्वेश्चन आपसे प्राइम फैक्टर पूछा है या फैक्टर्स लिखा है। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों ही चीजें हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये तो हमारी समझ में आ गई। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे काउंट करते हैं वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर निकालते कैसे हैं वो। जैसे हमें 12
फैक्टर निकालने की, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, 12 के फैक्टर निकालने, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो एक तरीका तो सिंपली काउंट कर लो कि कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे समझ में आया कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 12 के, 6। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 24 की, कि 24 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कहते ना कि 12 के जो 6 हैं तो 24 के 12 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, करके देखते हैं कि कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये, 1 से, 2 से, 3, 4, 6, लेकिन आप 8 से भी हो जाएगा, 12 और 20, बस यही दो नंबर तो बढ़े, 8 और 24, बाकी और कोई नंबर है क्या ऐसा किससे डिवाइड हो जाए 24, नहीं, बस इन्हीं 8 नंबर से डिवाइड होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, हमारी काउंटिंग, हम जो नंबर ऑफ फैक्टर की तो हमारे सामने काउंटिंग कितनी आई है, 8। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई कहे कि जरा मुझे 120 के बताइए कि 120 के, अब आप इसे काउंट करते रहेंगे, गिनते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है, काउंटिंग तो कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं निकालना मुश्किल, लेकिन टाइम तो आपको ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और वही तो आपको नहीं लगाना, टाइम को ही तो बचाना है, तभी तो आप क्वेश्चन पेपर अच्छा कर पाओगे, तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, अब एक से भी ऐसे तो काउंट नहीं कर पाएंगे, कैसे करें वो देख, हम करेंगे क्या, जैसे हमने 12 की फैक्टर की, ऐसे करना तो आता होगा सबको फैक्टर, ठीक है, टू से किया 6, टू से किया 3 और 3 से किया, ठीक, तो हमारा समझ में आया, हमारे ये समझ में आया कि 12 के फैक्टर कितने आए, 12 को यदि फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, देखो 2 बार 2 है, ठीक है, इसे ऐसे से लिख रहे होंगे या फिर ऐसे लिख के लिखेंगे, 2 into 2 into 3, यही तो लिखा है, यही तो 2 2 4 3 12 होता है, आप इसे ऐसे लिख सकते 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, ठीक, अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने, ठीक है, यहां तक कर लिए स्टेप, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने कि जो इनकी पावर्स हैं उन पावर्स में एक जोड़ जोड़ के, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, इन्हें गुणा करके 6 आ गया, ठीक, आप करें सर क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक बताएंगे, पहले सीख लीजिए, एग्जाम में क्या करना है वो देख लीजिए, क्या लॉजिक है वो भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, ऐसे 24 का करके देखा, 24 का करके देखेंगे, 24 का हमने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया होगा, 1 बार 2 और से और जाएगा, ठीक है, यही तो होगा, ये 24 फैक्टराइज करेंगे तो यही सेम होगा, ठीक है, अब हमने करने की कोशिश की तो हमने देखा कि 2 का क्यूब इंटू 2 कितनी बार है 3 बार है, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1, तो हमें जब आंसर निकालना होगा तो हमें करना क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी जो पावर्स हैं बेस क्या है उससे कोई खासा मतलब नहीं है, बेस क्या है उससे मतलब है ही नहीं, उसकी पावर्स में एक जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4 और ये 1 में 1 जोड़ा कितना आया 4 2 से कितना 8, बात क्लियर हुई या नहीं, समझ आया, सही आ रहा है हमारा आंसर, ऐसे और 120 का देखना हो कि 120 क्या होंगे, तो हमने क्या किया 2 से स्टार्ट किया 60, 2 से स्टार्ट किया 30 और 2 से स्टार्ट किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया तो कितना यही तो है, अब देखिए 120 की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए 2 की पावर 3 1 2 3 2 की पावर 3 है, लिख लिया हमने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई पे 3 कितना है 1 और 5 कितना है 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर, अब क्या करना है हमें आंसर निकालने के लिए, हमें किस तरीके सॉल्व करना होगा, इनकी पावर में एक एक जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2 और 1 में 1 जोड़ा
पहले सबको बोला चार दुनी आठ दुनी सोलह सिक्सटीन, तो 120 कितने फैक्टर हो गए, 16 फैक्टर हो गए। बात क्लियर आई समझ या नहीं? बात क्लियर समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा समझ में आई है तो आप बताइए जरा, आपसे कहा जा रहा है 350 के बताइए फैक्टर कितने होंगे, 350 के फैक्टर बताने कितने होंगे, ठीक है। जल्दी से करके बताइए, ठीक है, ये समझ लीजिए और करके नहीं कोशिश कीजिए, तब आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर आगे कहानी बढ़ेंगे। चलिए सॉल्व कर रहे, चलिए कुछ सॉल्व किया होगा आपने, ठीक है, देख लेते हैं। 350 का आपको सॉल्व करना, 350 के तो कैसे करेंगे वो देखिए, लास्ट टाइम समझ लीजिए आपके क्लियर हो गया होगा वैसे तो। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दो से करेंगे डिवाइड, 175, थ्री से हो जाएगा डिवाइड, थ्री से तो नहीं हो पाएगा, फाइव से हो जाएगा 15, फैक्टर देखिए 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, देखिए 1 में 1 ऐड किया कितना है 2, 2 में 1 ऐड किया 3, और 1 में 1 ऐड किया कितना है 2, वही सब कम बना 2, 3 है 6, 2 जो ये क्या हो गए नंबर ऑफ फैक्टर हो गए किसके, 350, 350 कितने फैक्टर होंगे, 12 फैक्टर होंगे। बात क्लियर हुई या नहीं, समझ आ गई होगी ये कहानी, छोटी सी कहानी थी, समझ आ गई होगी, ठीक है, आसान सा था। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ठीक है।